अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या हम एक साथ दो काम कर सकते हैं, तो इसका आंसर अगर ना सोचा है तो आप गलत हो। नहीं, हम एक साथ दो काम होते हैं वो जरूर कर सकते हैं। जैसे कि आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दूं तो आपको ध्यान से समझ में आएगा। मैं मानता हूँ आप सभी ने कहीं ना कहीं पे कंप्यूटर का यूज़ किया है, या फिर कंप्यूटर भी छोड़िए स्मार्टफोन, उसी में तो आप सुन रहे होंगे। तो वहाँ पे भी एक फीचर आता है मल्टीटास्किंग, एक साथ दो ऐप आप चला सकते हैं। कि भाई हाँ, आप एक वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, साथ में व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज है उसका रिप्लाई दे रहे हैं, तो दो चीज़ हुई। हाँ हुई, सिर्फ उतना नहीं, बचपन में सभी ने लास्ट मिनट पे जब प्रोजेक्ट सबमिशन होता है तो दोस्तों के साथ बातचीत चल रही होती है, या फिर एक रात पहले टीवी देखते देखते या सॉन्ग सुनते हुए प्रोजेक्ट है, जितनी ज़्यादा स्पीड हो सकती है भाई, बस मैं तो लिखता जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ता है क्या लिखा। ये एक्सपीरियंस तो सबने लिया ना लाइफ में। तो वो आंसर क्या बनता है कि हाँ, एक साथ दो काम जरूर हो सकते हैं। और ये प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूँ ना, आप सभी ने इसमें से काफी सारी चीज तो एक्सपीरियंस की है, पर क्या हम एक साथ दो अलग-अलग जगह पे जो काम होते हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं? इसका आंसर, अगर इसमें भी आप कुछ ज्यादा ही बढ़िया सोचने वाले इंसान है ना, तो एक छोटा सा एक इन ब्रैकेट डाल देता हूँ कि हाँ, अगर आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ रहे हो इंसान है कि हाँ, जिसने सोचा है कि सारी चीज छोड़ छाड़ कर एक सेंट बनना चाहते हैं, तो हाँ, वहां पे पॉसिबल है कि आपने बहुत ज्यादा तप किया फिर ये चीजें हो भी सके, पर इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और मैं मानता हूं कि आप अगर सेंट बनने वाले हो तो आप मुझे तो नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मेरा लेवल तो वो नहीं है ना। तो फिर एक नॉर्मल इंसान की तरह ही मैं बात कर रहा हूँ। तो अब इसका आंसर दीजिए, क्या दो अलग अलग जगह पे एक टाइम पे जो काम होता है वो कर सकते हो? आंसर है नहीं। एक सिंपल सी चीज है कि हम कितना भी ट्राई कर ले यार, कि हम दो अलग अलग जगह पे जब काम होता है ना वो एक साथ नहीं कर सकते, कितना भी ट्राई कर ले। और क्या इसको ये समझे कि भाई ये एक लिमिटेशन आ जाती है इंसान की? तो नहीं, मैं इसको अलग नजरिए से बताना चाहता हूँ। ये लिमिटेशन नहीं है, इसका एक सिंपल सा मीनिंग है यार, कि कोई चीज दोनों में से ऐसी जरूर होगी, जब भी हमारी लाइफ में ऐसा होगा तब कोई चीज, दो अलग अलग काम है, दो अलग अलग जगह पे, तो कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होगी जहां पे आप कोई एक चीज को चूज करो। क्यों? क्योंकि वो चीज ज्यादा जरूरी हो जाती है उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो हाँ, तो उस लिमिटेशन का मतलब आप ये समझ लो कि हाँ, वो एक लिमिटेशन हो गई तो अलग बात है। और अगर आप इसको एक दूसरी तरीके से समझो कि हाँ, ये टाइम होता है कि आप क्या चूज करते हो अपनी लाइफ में और वो मैटर करता है, तो वो भी एक अलग नजरिया है। मैं जाऊंगा दूसरे चीज के साथ कि हाँ, आप क्या चूज करते हो अपने टाइम पे, क्या करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है दूसरी चीज जरूरी नहीं है, पर इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर एक जगह पे पहुंचना है तो पहले कौन सी चीज करनी होगी और कौन सी चीज अभी होल्ड पे डालनी होगी, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। पर उससे पहले, आप पॉडकास्ट पे पहली बार आए हैं और आपने नहीं सुना मेरा एक भी पॉडकास्ट, तो एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ। मेरा नाम है कंदर्प दवे और मैं सेल्फ हेल्प रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी चीज होती है ना, उसके रिलेटेड मैं आपको मेरे जो थॉट्स होते हैं, काफी बार होता है मैं कुछ कोट सोच रहा हूँ या मुझे कोई कोट मिला है जिसमें से आपको मैं कुछ सेल्फ हेल्प आपकी हो सके, और सिर्फ आपकी नहीं, साथ में बोलते बोलते आपको कुछ कहते, आपको कुछ वैल्यू मैं मानता हूँ दे रहा हूँ, इसलिए आपको जब मैं वैल्यू दे रहा हूँ तो साथ में मेरी भी हेल्प हो जाए। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू मुझे भी तो जरूरी है, वो चीज़ मुझे भी तो काम आ सकती है, वैसे ही कोशिश करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो वहाँ पे फॉलो या फेवरेट या फिर भाई सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो, जिससे हर रोज सुन सको, हर रोज तो नहीं पर मैं जब भी पॉडकास्ट अपलोड करो तब सुन सको, तो एक सिंपल सी चीज़ वो जरूर कर देना, और पसंद आए तो इसको शेयर करना। अब वापस मेन चीज पे आ जाते हैं कि भाई जो हम बात कर रहे थे, अलग अलग जगह पे हम एक काम तो नहीं कर सकते और एक टाइम पे वो चीज नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या है? लिमिटेशन? नहीं, लिमिटेशन इसका मतलब कभी नहीं होता, इसका मतलब एक सिंपल सा है
कि भाई आपको अगर एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, मान लीजिए 10:30 सुबह का टाइम है, उस टाइम से पहले आपको कॉलेज पहुंचना था और आपको एक दूसरी कोई भी चीज़ याद आ जाती है। मान लीजिए कि आपको अपनी मोटर बाइक या फिर कोई दूसरा स्कूटर या कुछ भी, उसको सर्विस सेंटर पे ले जाना है, तो 10:30 पे आपको पहुंचना है कॉलेज को। सर्विस सेंटर है ऑलरेडी 20 या 30 किलोमीटर दूर, जिसके वजह से आपको वहां तक पहुंचने में ही आधा से 1 घंटा लग जाएगा। फिर वहां से अगर सीधा कॉलेज भी जाओ तो भी लेट हो जाएगा, और अभी ऑलरेडी बज चुके हैं 10, तो आप क्या चूज करोगे? सिंपल सी चीज यही है जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये लिमिटेशन नहीं हो जाती कि आप दो काम नहीं कर सकते, ये एक चूज आप क्या कर रहे हो, किस चीज को आप ज्यादा प्रीफर करके किस चीज को आप इम्पोर्टेंट मान रहे हो, ये भी बात नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है किस पर्टिकुलर टाइमिंग को आप ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो सर्विस सेंटर, वहां पे तो आपको पैसे देने हैं, ठीक है, और आपको सर्विस करवानी है अपनी स्कूटर या मोटर बाइक जो भी है, और वो अगर सुबह नहीं तो शाम को भी जा सकते हो, आज नहीं तो कल भी जा सकते हो, पर कॉलेज वहां पे जाना है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई, मान लीजिए आज ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो मिस नहीं होना चाहिए अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो, और अच्छे मार्क्स भी छोड़िए अगर पास भी होना है ना, तो आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपको वहां जाना है। तो आप जो सिंपल सी बातें करोगे कि हाँ कॉलेज चला जाता हो संडे या फिर कोई दूसरे दिन, अपने स्कूटर या अपने मोटर बाइक को सर्विस सेंटर पे छोड़ा होगा। क्यों चूज करते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा खुद का मोटर बाइक है, जो हमारा खुद का स्कूटर है, उसकी वैल्यू कॉलेज से कम हो जाती है। जबकि एक रियलिटी में देखो ना, तो कॉलेज पहुंचने के लिए वही तो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज थी, तो अगर वो नहीं होती तो मतलब वो यानी स्कूटर या फिर मोटर बाइक, वो अगर होता ही नहीं हमारी लाइफ में, होती ही नहीं वो स्कूटर, तो आप शायद काफी बार कॉलेज पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी। तो क्या उसकी वैल्यू कम हो जाती है, कॉलेज की वैल्यू ज्यादा है? नहीं, यहाँ पे जो मैं समझाना चाहता हूँ ना, वो एक सिंपल सी चीज है। हम कोई चीज ए चूज कर रहे हैं क्योंकि वहां पे टाइमिंग जरूरी हो जाता है, उस टाइम पे ये चीज करना जरूरी हो जाता है, तो यहाँ पे इंपोर्टेंस किसका है? वो पर्टिकुलर चीज जो हमने चूज की, जो वो पर्टिकुलर वर्क जो हमने चूज किया उसका, या फिर उस पर्टिकुलर टाइमिंग का। और मैं वही चीज समझाना चाहता हूँ कि चीज इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती दो चीजों में से जब हम कोई चीज चूज कर रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूं कि दो चीजों में से एक चीज चूज करनी पड़े तो जो भी टाइमिंग है ना, क्यों? क्योंकि आपको ये वर्क करने हैं दोनों, वो आपको चूज करना है, और वहां पे टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही चीज है जो मैं मेनली आज आपको बताना चाहता हूँ कि देखो सबसे पहली चीज तो आपको कोई एक काम छोड़ना होगा क्योंकि आपको टाइमिंग को इम्पोर्टेंस देनी होगी, और यही चीज है जो मैं समझाना चाहता हूँ इस पूरे पॉडकास्ट में। क्यों? क्योंकि हाँ भाई, अगर फोन की बात है ना, तो वहां पे हम एक साथ मल्टीटास्किंग से दो या तीन चीजें कर सकते हैं, कंप्यूटर में या लैपटॉप की ये बात है ना, तो वहां पे हम चार या पांच चीजें भी एक साथ कर सकते हैं, पर जब लाइफ की बात आती है और दो अलग अलग जगह पे जाना है, सेम टाइमिंग है मान लीजिए, तो आपको टाइमिंग को इम्पोर्टेंस देके कोई एक चीज चूज करनी है, तो इम्पोर्टेंस टाइमिंग की है, ठीक है? जब हम एक चीज छोड़ के कोई दूसरी चीज चूज करते हैं, क्यों? क्योंकि एक टाइम पे वो चीज प्रॉपर फिनिश होना जरूरी हो जाता है, तो इम्पोर्टेंस टाइमिंग की है। एट द एंड ये लिमिटेशन नहीं है, ये सिर्फ टाइमिंग की इम्पोर्टेंस क्या है ना, वो मैं समझाना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने कहा था कि जब हम बात कर रहे हैं कि हाँ हम एक साथ दो जगह पे एक वर्क नहीं कर सकते, तो ये आप दो तरीके से देख सकते हैं कि हाँ ह्यूमन लिमिटेशंस तो ऐसी ही है, और ये एक प्रॉपर नेगेटिव वे है, और दूसरी चीज कि हाँ सिर्फ मेरे लिए ये रूल अप्लाई होता है। नहीं ना यार, सबकी लाइफ में यही है। क्या कोई एक ही इंसान दो दो तीन तीन जगह पे काम कर सकता है? आंसर है नहीं।
नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि टाइमिंग है ना। हाँ, टाइमिंग की इम्पोर्टेंस है, और टाइमिंग की इम्पोर्टेंस के साथ इंसान की वो लिमिटेशन नहीं है। उसका मतलब है कि जितना आप इम्पोर्टेंस अपने टाइम को दोगे, वो चीज़ आप चूज करोगे, वो चीज़ आप करोगे, उसमें आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि लिमिटेशंस ये नहीं है कि हम एक साथ दो जगह पे नहीं हो सकते। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सनातन सत्य है। मैं थोड़ी ना इसको बदल सकता हूँ, नहीं ना। पर हम समझ सकते हैं कि टाइमिंग की इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए ये चीज़ मैंने समझानी सोची आज, या आप कह सकते हैं मैंने टाइटल में भी यही डाला है इसलिए, कि कहीं ना कहीं पे हम दो चीज़ नहीं कर रहे एक साथ, क्योंकि टाइमिंग की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो टाइमिंग को इम्पोर्टेंस दो। टाइमिंग का मतलब समझो, आज टाइम अच्छा हो सकता है, आज टाइम बुरा हो सकता है, कल अच्छा हो सकता है, कल बुरा हो सकता है। तो ये मैंने जो सारी चीज बताए, इससे आपकी हेल्प कहाँ पे हो रही है? अगर आपकी कुछ हेल्प ही नहीं हुई तो ये चीज क्या काम की, जो मैंने आपको बताया, जो आपने सुनी, तो इसका मीनिंग बताता हूँ ये कहाँ पे काम आती है। देखो, हम अपनी लाइफ में टाइमिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, ये तो आपने समझ लिया। पर अब क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि हाँ, ये तो जब नॉर्मल दो वर्क में से एक वर्क चूज करना था तब की बात है ना। हम अपनी लाइफ में जब ऐसा नहीं होता, हमें चूज नहीं करना होता, तब कितनी बार टाइमिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं? शायद आप बोलेंगे कभी नहीं। क्यों? क्योंकि इस पे सोचा ही नहीं। देखो, टाइमिंग को इम्पोर्टेंस दो मतलब क्या, कि ये समझो कि हाँ, अगर मैं फेल हो रहा हूं तो अभी टाइम बुरा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आज ही टी शर्ट पहन लो, आज ही मोबाइल का कवर भी ऐसा डलवा लो, आज ही वो कैप ले लो, अपना टाइम आएगा वाली। नहीं यार, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक सिंपल सी चीज जो लाइफ की रियलिटी है ना, वो समझो। आपके हाथ में है मेहनत करना। अब मेहनत का रिजल्ट टाइम टाइम के बाद मिलता रहता है। कभी मिलता है कि हाँ, जो आपने मेहनत की वो सारी चीज आप अचीव नहीं कर पाए, ऐसा रिजल्ट, बुरा रिजल्ट आप कह सकते हैं। वहां पे भी टाइमिंग मैटर कर जाती है। एक होता है कि हाँ, आपने जितनी मेहनत की वो रिजल्ट, उस चीज को लेके जो रिजल्ट मिलना था वो आप अचीव कर पाए, और एक होता है आपने मेहनत की उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट आप अचीव कर पाए। तो टाइमिंग की वैल्यू है ही, टाइम को हम हरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है जो शायद हम या आप नहीं थे तो भी था, शायद नहीं यार, 100% था। और जब हम और आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा? होगा नहीं यार, 100% होगा ही। और यही चीज है जो समझनी है। तो मैं अब ये सोचता हूं कि हाँ, इससे आपको वैल्यू मिली होगी और आप समझ पाए होंगे टाइमिंग की वैल्यू है। टाइमिंग को ही हम इम्पोर्टेंस देते हैं, देते आ रहे हैं, बुराई नहीं है, सबसे अच्छी बात है। पर जब हम टाइमिंग को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तब ज्यादातर बार होता है कि हमें चूज करना होता है कि कोई एक चीज करनी है या कोई दूसरी चीज। वो तो आपने टाइटल में भी पढ़ा, पर अब एक सिंपल सी चीज अपनी लाइफ में आज से अप्लाई करो, अगर हो सके तो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बोला तो मैं आज से शुरू कर दूंगा और मैं तो अपनी लाइफ पे प्रॉपर चेंज ला ही पाऊंगा। देखो, मैंने बोला, आपने ये सुना, मैंने भी ट्राई की, आपने भी ट्राई की, आप भी आज से हो सके तो ट्राई करो अप्लाई करने की, कि हाँ, टाइमिंग को हर जगह पे इम्पोर्टेंस दो। मैं भी ट्राई ही करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ, मैंने आज ये समझाया तो मैं कल सबसे अच्छा इंसान इस अर्थ पे मैं ही होगा जो अपनी टाइमिंग को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम कभी इन चीजों में परफेक्ट नहीं हो सकते। हम सिर्फ लर्न कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इन चीजों, तो वही करो। मैं यही समझाना चाहता हूँ और यही चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ। टाइमिंग को इम्पोर्टेंस हर टाइम पे देना सीखो। ये नहीं कि हाँ, कोई ए चीज चूज करनी है या बी चीज तभी टाइमिंग को इम्पोर्टेंस दो, नहीं, हर जगह पे। और यही थी जो मैं मेन चीज आपको बताना चाहता था।
अगर आप भी पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं तो आप anchor.fm ऐप का यूज कर सकते हैं। इस ऐप में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक और सारी चीज अपने आप इनबिल्ड ही मिल जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इस ऐप में ही मतलब anchor.fm में ही अपने पॉडकास्ट को पब्लिश करना है। दूसरे सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म Spotify, Google पॉडकास्ट, उन सारे प्लेटफॉर्म में आपका पॉडकास्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री मिल रहा है। अगर आप पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं तो आप आज ही प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से anchor.fm डाउनलोड कर लीजिए या फिर ऑनलाइन साइन अप कर लीजिए anchor.fm की वेबसाइट पे। और एक छोटी सी चीज, अगर आपको इस पॉडकास्ट से वैल्यू मिली ऐसा आपको लगा तो इस पॉडकास्ट को प्लीज जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर जरूर करना। और अगर आप आगे भी मुझे सुनते रहना चाहते हैं तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे जो भी ऑप्शन है फॉलो का, फेवरेट का या फिर सब्सक्राइब का, वो जरूर कर देना, जिससे आपको एक सिंपल सी चीज होगी कि हाँ जब भी मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो भी जरूर कर देना। और आपको मेरे इस पॉडकास्ट या मेरे पहले के कोई भी पॉडकास्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो यूजर नेम दिया है ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे अवेलेबल है kandarpms.dave, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज या फिर टेक करके वो क्वेश्चन या वो सजेशन दे सकते हैं। और एक सिंपल सी चीज, अगर हो सके तो वहां पे भी फॉलो कर देना। आपके माइंड में कोई टॉपिक है जिसपे आप मेरे थॉट सुनना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे वहां बता सकते हैं, मैं वो भी जरूर कोशिश करूंगा। और ये कभी मत भूलना कि हम एक साथ दो काम नहीं कर सकते, दो अलग अलग जगह पे। क्यों? क्योंकि ये नहीं है कि हम एक काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे के वो करने लग जाते हैं, दूसरे को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, बल्कि इसलिए क्योंकि हम एक काम पे जो टाइमिंग चल रही है ना उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं, दूसरे को नहीं दे पाते। थैंक यू दोस्तों।